रियल लाइफ में कैलेंडर की अहमियत तो सब जानते हैं, लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ? Let's find out. सबसे पहले हिब्रू कैलेंडर का रचना 3,500 साल पहले माइमोनिडीज ने इस कैलेंडर का रचना की थी। कोई साल 12 या कोई साल 13 महीने का होता। 2,500 साल पहले चीनी कैलेंडर शुरुआत हुई। उसके बाद 57 BC से पहले विक्रम संवत जो भारतीय कैलेंडर प्रचलन हुआ। इसी कैलेंडर से ही हफ्ते में 7 दिन होना शुरू हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल के राजा प्रथम धर्मपाल भूमिवर्ण विक्रमादित्य इसके निर्माता थे, लेकिन इंडियन रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के सम्राट विक्रमादित्य इस कैलेंडर के निर्माता 753 BC में रोमिलियस किंग रोमन कैलेंडर का प्रचलन किया। इसमें साल भर के 10 महीने होते थे और हफ्ते के 8 दिन। उसके बाद जूलियस सीजर का कैलेंडर आया। इसमें साल के 12 महीने होते थे, हर महीने 28 से 31 दिन तक होते थे। पूरे साल में 52 हफ्ते और एक हफ्ते में 7 दिन होते थे। आखिर में ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, जिसे आज इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है। इस कैलेंडर को लुगी लिलियो डिजाइन किए थे। इसमें हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है और वो साल 366 दिन का होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाने के लिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड लगता है। ऐसे ही गजब फल के इंतजार में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।